और इसे कहते हैं दुआओं का जादू। पाकिस्तानियों की दुआएं रंग ले आई हैं, गिरते पड़ते संभलते टकराते हुए कुछ करके सेमीफाइनल में जनाब हम पहुंच ही गए हैं। तो 9 नवंबर को होने वाला है सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की माबेन। कौन कहता था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा? सब ये कहते थे कि T20 से पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई है। तो मौजजात हमेशा पाकिस्तान के लिए होते हैं। ये हैं पाकिस्तान की माओ की बहनों की दुआएं, जो कि कौमी टीम के लिए हमेशा से हाथ बुलंद होते हैं कि जी अल्लाह ताला हमारी पाकिस्तान की टीम को जितवा दे। तो आज भी ऐसा ही हुआ है। आपने देखा कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंचा है। जैसे ही पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, कॉमेंटेटर्स हैरान हो गए हैं, साबिक क्रिकेट चैंपियंस हैरान हो गए कि ऐसा भी हो सकता है पाकिस्तान की टीम के साथ। तो अब जो सूरत हाल बन रही है, देखने वाले ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया हो फाइनल में, या फिर देखते हैं कि कौन होगा फाइनल में। तो जी टीम पाकिस्तान के लिए बहुत सारी गुड लक और बहुत सारी दुआएं कि जब आप सेमीफाइनल में पहुंच ही गए कुछ ना कुछ कर कर आके, तो अल्लाह करे कि आप फाइनल भी जीत जाएं और हम सबका नाम, हम सबका सर फखर से बुलंद करें। और जब भी ऐसी कोई बात होती है तो सोशल मीडिया पे ढेर सारी मीम्स बन जाती हैं, मज़े मज़े के कैप्शन और मज़े मज़े की बातें लोग लिख रहे होते हैं, डिफरेंट ट्वीट्स होती हैं कि ये किस तरीके से हैरान कर दिया एक बार फिर। और मुझे तो बाबर आजम के डायलॉग ने हैरान किया कि हमने अपनी अनथक मेहनत से सेमीफाइनल में जगह बना ली है।